उदाहरण 5 सरल कीजिए। बड़े कोष्टक में सर्पाकार कोष्टक में 1/3 की घात -3 ऋण 1/2 की घात -3 सर्पाकार कोष्टक बंद भागित 1/5 की घात -2 बड़ा कोष्टक बंद। एक बटा तीन का घात -3 ऋण 1/2 का घात -3 सर्पाकार कोष्टक बंद भागित 1/5 का घात -2 बड़ा कोष्टक बंद को सरल करना है। बराबर बड़ा कोष्टक, हम यहां पे -3 को अंश और हर में सबसे पहले बांटेंगे, तो ये बनेगा 1/3 / 3/3 ऋण 1/3 / 3/2 / 3 कोष्टक बंद भागित। फिर से पुनः हम घात को अंश और हर में बांटेंगे, तो ये होगा 1/2 / 5/2 ऋण 2। यहाँ पे हमने घातांक में का नियम लगाया है, क्योंकि हम भाग का नियम जानते हैं, a/b^m = a/m/b^m होता है। बराबर यहाँ पे हम 3/3 को अंश में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3/3 / 1/3 को अंश से हर में ले जाने पर यह बनेगा 1/3। इसे हम कोष्टक में लिखते हैं और यहाँ पे हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे ऋण। उसी प्रकार से 2/3 को अंश में ले जाने पर ये बदल के हो जाएगा 2/3 / 1/3 को हम हर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/3 छोटा कोष्टक बंद करने के बाद भागित। पुनः हम 5/3 / 2 को हर से अंश पर ले जाने पर ये 5/2 बनेगा, 1/3 / 2 को अंश से हर में ले जाने पर ये बनेगा 1/2। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, 1/m = 1/1m और 1/1m = 1/m। बराबर 3/3 × 3 × 3 = 3 × 9 = 27। तो हम लिखेंगे कोष्टक में 27/1/3 को हम 1 × 1 × 1 = 1 होता है ऋण 2/3 को हम 2 × 2 × 2 = 2 × 4 = 8, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे, 1/3 = 1 होगा छोटा कोष्टक बंद भागित। 5/2 = 5 × 5 = 25 / 1/2 = 1 × 1 = 1।
बराबर 27, कोष्टक में 27 बटा 1 बराबर 27 ऋण 8 बटा 1 बराबर 8, कोष्टक बंद, भागित 25 बटा 1 बराबर 25 बराबर 27 ऋण 8 बराबर 19 भागित 25 बराबर 19 बटा 25। यह उदाहरण का हल होगा।